दोस्तों आपने फ्री में 500 रुपये पाने का मौका कहीं गवा तो नहीं दिया? जी हाँ सर, मार्च तक योगी सरकार आपको पूरे 500 रुपये हर महीने आपके खाते में देने जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए। आपको विस्तार से बताते हैं, यूपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार रजिस्टर मजदूरों का 500 रुपये महीना भरण पोषण भत्ता देगी, जिससे यूपी के करीब 3 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा। दिसंबर से मार्च तक के भरण पोषण भत्ता मिलेगा, जिसके लिए अनुपूरक बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान दिया है। एक बड़े तबके को आच्छादित करने के लिए हम लोग इसमें असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, लगभग 2.5 करोड़ है, इसमें स्ट्रीट वेंडर भी आते हैं, पटरी व्यवसायी आते हैं, कुली है, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हैं, पल्लेदार हैं, रिक्शा चालक हैं, मनरेगा मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं। 2.5 लाख ऐसे, 2.5 करोड़ ऐसे हैं और लगभग 60 लाख बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिक हैं। कुल 3.10 करोड़ श्रमिक, और सरकार ने तय किया है कि इन सभी श्रमिकों को हम लोग अगले 4 महीने तक भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपये हर महीने देंगे, जिससे कोरोना की थर्ड वेव को आसन्न संकट, यानी फ्री में राशन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और अब भरण पोषण भत्ता भी उनको, यानी अगले 4 महीने के अंदर 2000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें उपलब्ध कराने जा रही है। दोस्तों, ये 500 रुपये पाने के लिए आपको ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। जी सर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बन रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जोर जोर से चल रहा है, जो कि 30 दिसंबर के बाद होना बंद हो जाएगा। 500 रुपये के ऐलान के अलावा इस योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी सरकार दे रही है। जी हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है सर। इसके अलावा आपका नाम आयुष्मान कार्ड, जिसके तहत आपको पूरे 5 लाख का इलाज फ्री में सरकार देती है किसी भी अस्पताल में जो कि आयुष्मान कार्ड से जुड़ा है, ऐसे में आपके लिए यह योजना बहुत ही लाभदायक होने वाली है। असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों का ई श्रम कार्ड, जो कि बहुत तेज़ी से बन रहा है, हर जन सेवा केंद्र पर हजारों की भीड़ है, बहुत सारी महिलाओं ने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उसके लिए वो दौड़ भाग कर रहे हैं। हर जनसेवा केंद्र पर कई लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, करीबन गोरखपुर में ही 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और बहुत से लोग अभी भी बनवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं आप भी इस मौके को छोड़ तो नहीं रहे हैं, जल्दी से अपना ई श्रम कार्ड बनवाइए, जिसके तहत आपको जनवरी से ही पहली किस्त यानी 500 रुपये, जो कि योगी सरकार ने अपना वादा किया है, आपके खाते में डालेगी। और इसके साथ ही अगले साल आपको आयुष्मान कार्ड का भी नाम आपके ई श्रम कार्ड के ज़रिए आपको मिल जाएगा, जिसके तहत आप 5 लाख तक का इलाज अपना करवा पाएंगे किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, जो कि आयुष्मान कार्ड के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 500 रुपये जो कि योगी सरकार देने वाली है, इसके साथ आयुष्मान कार्ड के अलावा भी श्रम विभाग द्वारा अन्य कई सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए साल डेढ़ साल पे चलाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि श्रमिकों को लाभान्वित होती हैं, और आपको पता होगा कि उनको बहुत सारी सेवाओं में योगदान मिलता है, बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं, जैसे कि साइकिल योजना हो गई, आपका श्रमिक बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी योजनाएँ मिलती हैं, परिवार को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रोजगार और योजनाएं सरकार द्वारा प्रस्तावित होती हैं। श्रम विभाग इसको आगे जारी करता है, इसकी वजह से आपको बहुत सारी फायदे मिलने वाले हैं इस श्रम कार्ड के ज़रिए। तो बिना देरी किए ई श्रम कार्ड अपना ज़रूर से ज़रूर बनवा लें और बहुत सारी लाभ का योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये श्रम कार्ड 30 दिसंबर के बाद आगे अगर बनता भी है तो आपके लिए उतने फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए 30 दिसंबर से पहले अपना ई श्रम कार्ड ज़रूर बनवा लें, जिसके लिए आपको योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से आपको मिल सके।